हेलो स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो में वॉइसमैन पिकॉक हाइपोथेसिस थ्योरी जो कि पब्लिक एक्सपेंडिचर की सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है उसे डिस्कस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं वॉइसमैन पिकॉक हाइपोथेसिस थ्योरी एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट मिस्टर जैक वॉइसमैन और एल एन टी पिकॉक के थ्रू दी गई थी इन्होंने एटीन 90 से लेके 1955 के टाइम पीरियड पे यूनाइटेड किंगडम में पब्लिक एक्सपेंडिचर्स पे स्टडी की थी और उस स्टडी के बाद उन्होंने 1961 पे एक बुक पब्लिश की द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इन द यूनाइटेड किंगडम जो भी स्टडी की उसकी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने उस बुक में मेंशन की थी ये जो पूरी स्टडी थी इनकी बेसिकली वो वैगनार्स लॉ पर ही बेस्ड थी जहाँ पर अब वैगनार्स लॉ के बारे में हमने बात कही थी पहले भी इस वीडियो में डिस्कस कर रखा है हमने कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसके इंक्रीज़ करने के बारे में ही ये पूरा लॉ था तो इनकी पूरी जो ये वैग्नार्स विकॉक हाइपोथेसिस थेरी है वो वैगनार्स लॉ पे ही डिपेंड कर रही है मतलब कि कहीं ना कहीं हम पब्लिक एक्सपेंडिचर के इंक्रीज़ करने के प्रोस्पेक्ट्स को यहाँ पे इस थेरी में समझेंगे कि कैसे इंक्रीज़ करता है या क्यों इंक्रीज़ करता है या किस स्पीड में किस मूवमेंट में ये इंक्रीज़ करता है इन्हीं चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो वाइस में पिकॉक हाइपोथिसिस थेरी जो है वहाँ पे कहा गया कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो ऐसा नहीं कि बहुत स्मूथ और कंटिन्यूस मैनर में इंक्रीज करता है कि स्लोली और एक कंटिन्यूस ग्रोथ हो रही है एक्सपेंडिचर्स की कि दस बीस तीस चालीस पचास साठ सत्तर ऐसे करके वो इंक्रीज कर रहा हो कंटिन्यूस एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहे हैं गवर्नमेंट के ऐसा नहीं होता बल्कि ये कैसे इंक्रीज़ करता है जर्स में या स्टेप्स लाइक uh, फैशन like में इंक्रीज़ करते हैं इसका मतलब क्या हो जाता है कि जैसे कि अभी जो एक्सपेंडिचर है वो दस और बीस के बीच में हो रहा है बाद में जब एक्सपेंडिचर होगा वो चालीस और पचास के बीच में होगा तो ये एक जर्क में इंक्रीज करता है ना स्टेप्स के लाइक like जैसे स्टेयर्स के स्टेप्स होते हैं ना इस तरह से वो इंक्रीज करता है एक कंटिन्यूस मैनर में एक्सपेंडिचर इंक्रीज नहीं करता है यही इस थेरी का मेन लॉ है अब ये थेरी आई कैसे या इन्होंने ये ड्राइव कैसे किया कि ये कंटिन्यूस मैनर में नहीं आता है ये स्टेप में आता है तो इसके पीछे रीज़न था रीज़न क्या था और इन्होंने कहा कि जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किस चीज़ पे करती है रेवेन्यू पे करती है जो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ होती हैं और गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ कहाँ से होती है टैक्स से होती है टैक्स इंपॉर्टेंट सोर्स होता है तो पब्लिक से टैक्स लेती है और गवर्नमेंट की रेवेन्यू होती है और उसी रेवेन्यू को गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है जिसे कहते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर तो अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करने की बात आती है तो गवर्नमेंट रेवेन्यू इंक्रीज़ करना है और अगर गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ इंक्रीज़ करना है तो टैक्सेशन इंक्रीज़ करना है लेकिन होता क्या है कि जो पब्लिक होती है वो टैक्स देने के लिए रेडी नहीं होती है आप उनसे जो नॉर्मल सिनेरियो में जो टैक्स रेट चल रहा है आप अगर उस टैक्स रेट से इंक्रीज़ करने की बात करेंगे तो वो रेडी नहीं होंगी तो अगर टैक्स रेट इंक्रीज़ नहीं होगा तो पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ नहीं किया जा सकता राइट right? तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को अगर इंक्रीज़ करना है तो टैक्स इंक्रीज़ करना है तो इसके लिए उन्होंने कहा कि एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करने का जो बेस्ट टाइम होता है वो टाइम होता है वॉर की सिचुएशन तो वॉर की सिचुएशन को क्यों उन्होंने कहा क्योंकि कहा कि वॉर और इमरजेंसी के ऐसा सिनेरियो होता है जिस सिनेरियो में पब्लिक की सम्पत्ति आपके साथ हो जाती है आपके साथ मतलब गवर्नमेंट के साथ हो जाती है उस टाइम पीरियड में वॉर या इमरजेंसी सिनेरियो में अगर गवर्नमेंट टै कोई एक्स्ट्रा टैक्स बर्डन पब्लिक पर इम्पोज करती है तो पब्लिक उसे पे करने के लिए रेडी हो जाती है क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट का सपोर्ट करना है उन्हें अपनी कंट्री अपने नेशन का सपोर्ट करना है तो वो उस टैक्स के लिए रेडी हो जाते हैं और वॉर एंड इमरजेंसी के सिनेरियो में गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं तो अब ये टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया जहाँ पर एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया और टैक्स भी बढ़ गया बाद में जब वॉर या इमरजेंसी का टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है और प्रीवियस सिनेरियो में हम पहुंचेंगे नॉर्मल सिनेरियो में पहुंचेंगे तो वहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है जो पहले इंक्रीज कर दी गई वॉर टाइम पे वो वापस से पुराने सिनेरियो के अकॉर्डिंग नहीं होगी वो कभी भी डिक्रीज करके उस उस प्लेस पे नहीं पहुंचेगी जो प्रीवियस में था वॉर से पहले के सिनेरियो में था सिमिलरली टैक्सेशन भी जो हमने वॉर टाइम पे एप्लीकेबल कराए थे इम्पोज किए थे वो टैक्सेशन हम डिक्रीज़ तो करेंगे पर सारे टैक्स रेट डिक्रीज़ नहीं किए जाते सारे टैक्स नहीं डिक्रीज किए जाते तो बेसिकली टैक्स भी जो है आपका वापस से उस सिनेरियो में जो वॉर के पहले का सिनेरियो था उस सिनेरियो में कभी नहीं पहुँचता है तो जो वॉर के पहले की सिचुएशन थी आप भले ही वॉर के टाइम के बाद वॉर फिनिश होने के बाद आप एक्सपेंडिचर्स को टैक्स को सबको डिक्रीज करिए बट स्टिल आप वॉर के पहले की सिचुएशन से ज़्यादा ही रहेंगे यही बेस कौन इन्होंने इस थ्योरी को प्रपाउंड करने के लिए बनाया उन्होंने कहा वॉर एंड इमरजेंसी में जब हम ये चीज़ें इंक्रीज कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है हमेशा प्रीवियस सिनेरियो में नहीं पहुंचता है मतलब तो हमेशा ही ऐसा होगा कि वो कभी भी प्रीवियस सिनेरियो के अकॉर्डिंग नहीं रहेगा और उनसे ज़्यादा ही दिखेगा एक जर्क में दिखेगा कि वो इंक्रीज हो चुका है राइट right? अब इस थ्योरी की बात जो ये पूरा वॉर और इमरजेंसी की सिचुएशन आई उसी बात पे इन्होंने कहा कि ये पूरी हाइपोथेसिस को हमने तीन सेपरेट कॉन्सेप्ट में कंपराइज कर दिया है अब तीन सेपरेट कॉन्सेप्ट कहाँ निकल के आए इस पूरे वॉर सिनेरियो में हमने क्या देखा कि वॉर के पहले के सिचुएशन क्या था एक्सपेंडिचर का और टैक्स का वॉर के टाइम पीरियड में हमने दोनों को इंक्रीज कर दिया दोनों को इंक्रीज करने के बाद क्या हुआ वॉर फिनिश हुई वॉर फिनिश हुई तो दोनों डिक्रीज हुए तो अब क्या हुआ दोनों जब डिक्रीज़ हुए टैक्स और एक्सपेंडिचर लेकिन वॉर के पहले के एक्सपेंडिचर और टैक्स के इक्वल कभी नहीं होंगे वो हमेशा उससे ज़्यादा ही रहेंगे यही यही बेस है इसका तो यहाँ पे पहला इफेक्ट जो बन के आता है वो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का बनता है तीन इफेक्ट्स में इसको सेपरेट किया गया तो पहला क्या है डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट डिस्प्लेस उस पोजिशन से चेंज हो गई है वो पोजिशन वो प्लेस तो ये कैसे हुआ यहाँ पे स्टेप्स लाइक इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर इज ड्यू टू इवेंट्स लाइक वॉर एंड अदर इमरजेंसीज यहाँ जो स्टेप की तरह इंक्रीज़ करने वाला है तो ये जो इंक्रीज़ होगा पब्लिक एक्सपेंडिचर किसकी वजह से होगा जैसे वॉर या कोई अदर इमरजेंसीज का सनारियो आया उसकी वजह से इंक्रीज़ होगा ठीक है हमने यहाँ समझा ही पहले तो यहाँ पे क्या करते हैं गवर्नमेंट फोर्स कर देती है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर को उनको बढ़ाना ही बढ़ाना है क्यों क्योंकि वॉर है आपके पास तो आपको आप इसके लिए आपको अपने एक्सपेंडिचर्स को इंक्रीज़ करने की जरूरत है और एक्सपेंडिचर इंक्रीज के लिए आपको रेवेन्यू इंक्रीज करने की जरूरत है तो इस सिचुएशन में क्या होता है टैक्स रेट भी इंक्रीज हो जाता है जिससे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो जाती है तो अब पुराने से वॉर के पहले वाले से जो पोजीशन थी एक्सपेंडिचर की और टैक्स की आप उससे आप एक कदम आगे बढ़ गया आपने दोनों ही इंक्रीज कर दिया तो आपकी प्लेस ऑफ की पोजिशनिंग चेंज हो गई दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट अब उसके बाद सेकेंड इफेक्ट क्या आता है टैक्स टॉलरेंस एंड इंस्पेंशन इफेक्ट ये क्या होता है अब जैसे ही आपकी वॉर फिनिश हुई जब वॉर फिनिश हो गई तो क्या होगा तो हो सब चीज़ें डिक्रीज की जाएंगी तो सब चीज़ें डिक्रीज कर जाएंगी लेकिन उतनी नहीं डिक्रीज की जाती क्यों क्योंकि यहाँ पे पीपल क्या होते हैं उन पे पर टैक्स बर्डन पड़ चुका है एक्सपेंडेड टैक्स बर्डन उन पर आ चुका है वो एक्सेप्ट कर चुके हैं उस वॉर टाइम पे, जितना भी लंबा वॉर चला हो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है उनकी टॉलरेंस लेवल बढ़ चुकी है सेक्रीफाइस लेवल उनका बढ़ चुका है जो कि वॉर के टाइम था तो इसकी वजह से उनका क्या हो जाता है वो उस चीज़ को बियर करने के लिए रेडी हो जाती है तो अगर आप डिक्रीज भी करते हैं तो आप पूरा डिक्रीज़ नहीं करेंगे बीजेन गवर्नमेंट आप पूरा डिक्रीज नहीं करेंगे क्योंकि उनकी टॉलरेंस लेवल है वो आराम से उस चीज़ को बियर कर पा रहे हैं तो दैट इज़ सेकेंड इफेक्ट टैक्स टॉलरेंस एंड इंस्पेक्शन इफेक्ट एंड थर्ड इफेक्ट क्या होता है कंसनट्रेशन इफेक्ट अब यहाँ पर क्या हो गया वहाँ पे अब वापस से आप आ रहे हैं वॉर ख़त्म हो गया उनके टैक्स बर्डन की कैपेसिटी बढ़ चुकी है आप उस पर टैक्स लगा रहे हैं कुछ टैक्स कम किए पूरे सारे कम नहीं किए पर तो क्या हो गया टैक्स बर्डन है उन पर एक्स्ट्रा तो आपकी एक्स्ट्रा रेवेन्यू आ रही है अब एक्सपेंडिचर भी आप कम करेंगे पर सारे नहीं कम करेंगे तो कंसनट्रेशन में क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट और इंक्रीजिंग टैक्स टॉलरेंस की वजह से क्या होता है कंसन्ट्रेशन बढ़ता है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किसके हाथ में आ जाती है गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है उनके पास रेवेन्यू जनरेट हो गया उनके पास एक्सपेंडिचर्स के ऑप्शन खुल गए तो गवर्नमेंट पे पूरे हाथ पे गवर्नमेंट के हाथ में ये सब चीज़ें क्या हो जाती हैं आ जाती हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट सारी चीज़ों को एक लार्जर लेवल पे ख़ुद के ऊपर ले लेती है उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज़ की जो इन्वॉलमेंट था वो कम हो जाता है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट मेन और लीड रोल प्ले करती है रेवेन्यूज उनको जनरेट हो रही होती हैं क्योंकि वॉर वो डील कर रही होती है तो ज़्यादा रेवेन्यू उनको जनरेट होती हैं तो एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा वो करती हैं तो ये हो गया पूरा इनका पिकॉक वाइसमैन हाइपोथिस थेरी तो क्या हो गया यहाँ पे उन्होंने कहा कि पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाने का जैसे वैग्नार्स ने कहा था कि बढ़ाना चाहिए सबसे अच्छा तरीका क्या, क्या, क्या होता है सबसे अच्छा टाइम पीरियड क्या होता है इमरजेंसी या वॉर का टाइम पीरियड क्योंकि इमरजेंसी और वॉर का टाइम हम एक्स्ट्रा चीज़ें उन पर टैक्स बर्डन डाल देते हैं और जब वॉर एमरजेंसी खत्म भी हो जाती तब भी हम प्रीवियस वाले सीनारी में कभी नहीं पहुँचते उससे हम आगे ही रहेंगे हम कम करेंगे लेकिन हमेशा लास्ट सीनारियों से ऊपर ही रहेंगे इसीलिए स्टेप्स में इंक्रीज होती है राइट आई होप आपको वाइसमैन पिकऑप थेरी क्लियर हुई होगी यू ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच